बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में पंजाब के एक्टर और सिंगर होबी धालीवाल भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। होबी जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव प्रचार, क्या कुछ आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आप बीजेपी के कैंडिडेट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, मैं बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ और बीजेपी ज्वाइन की है बहुत सोच समझ के। मैं बीजेपी ज्वाइन की थी जी, बड़ा चंगा महसूस कर रहे हैं और सुख्त महसूस कर रहे हैं। मैं भविख देख रहा, चंगा भविख पंजाब का, क्योंकि मैं शायद इलेक्शन तक कदम नहीं लड़ूंगा, पर इन्ना जरूर है कि मैं पंजाबियों की गल पीएम हाउस तक और पीएम हाउस दियाँ चंगी पॉलिसीज़ नूं पंजाबी किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप नॉन पोलिटिकल रहे हैं, इस बार आपने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या वजह रही बीजेपी को ज्वाइन करने? सर, 75 साल से साढ़े पंजाब दे विच कदे बीजेपी ने राज नहीं किया, बाकी सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ने वक्रे वक्रे टाइम पर, चाहे वह कॉम्युनिस्ट सके, दाती थौड़ा सी, दाती बल्ली सी, या अकाली दल सी, फिर अकाली दल होर भी बन गए, अमृतसर आ गया, बिच संयुक्त आ गया, तो कांग्रेस रही विच दी, फिर साढ़े एक जिहड़े साढ़े संघर्षी किसान नेता सी जिहड़े कहिंदे सी कि असीं तां सिर्फ संघर्ष करना, वह भी मैदान च उतर गए ने। सो सारिया ने पट्ठा ही बिठाया साढ़े पंजाब का। सो साढ़े तो 20,000 करोड़ रुपया असी व्याज भरते हैं सर, इन्ना साढ़े तो कर्जा पंजाब से, असी जाना कितने, सिर्फ 75 साल की उम्र है साड़ी, पंजाब की आज़ाद पंजाब की, तो साढ़े चो हरियाणा निकलिया, साढ़े चो हिमाचल कढ़िया गया पंजाब नूं तोड़ के, और हरियाणा च तुसीं जाके देखो स्पोर्ट्स दे विच हरियाणा सब तो मोड़ी, फसलों के विच, शरीरों के विच, सोचा दे विच, सड़कों के विच बहुत पिछे रह गए हैं असीं, वो बहुत अगे हो गया स्टेट। किसान आंदोलन का कितना फैक्टर आप अभी भी पंजाब चुनाव में देख रहे हैं, क्योंकि इस किसान आंदोलन के समय में बीजेपी के आलोचक आप भी? जीरो सर, जीरो। मैं सब तो बड़ा आलोचक रहा। देखो, एक रब नहीं हुंदा कोई, इंसान इंसान हुंदा, इंसान रब नहीं बन सकता। तो एक सरकार ने कानून बनाए, मैं कहना कानून गलत सी, मैं लड़िया, हुण वापस हो गए, पर थोड़े तो गुरद्वारे ढाते सी, उहदे वास्ते तुसीं की कीता, थोड़ी जवानी खत्म करती, नशे विकते ने थोड़े हर मोड़ ते, 4 ग्राम रात नूं लैके कितों भी लै लो, लियाओ दसो कितों चिट्टा लैणा। ये साडियां सरकारां दी नाकामी है कि साडे बच्चे बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पानी साडे कोले नहीं, रिश्ते साडे कोले नहीं, इंडस्ट्री साडे कोले नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर साडे कोले नहीं, जिहड़ियां सड़कां बनाईयां ने हाईवेज जिथे तुसीं फास्टैग दे उत्ते टोल प्लाजा क्रॉस करके जाने, वह सारिया सेंटर गवर्नमेंट दियां ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सड़क नहीं बनाई थोड़े वास्ते। सो इस करके सोच के आए हैं कि हाँ, भविख है जिहड़ा वो बीजेपी नूं एक मौका देना चाहिए, और सेंटर दे विच भी बीजेपी है, इत्थे भी, ता ही कहने असीं डबल इंजन सरकार बनूगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी भी 70 सालों में केवल सड़कें, पानी, शिविर, यही समस्याएं चली आ रही हैं, और आपने भी कहा कि अभी सड़कों का जिक्र भी किया जी, मैं तो आम आदमी पार्टी दे फिर इदा करते हैं, आप पिंक ठेके लाने, मैं दर्शकों दस देना चाहना कि दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी की सच्ची सुची सोच के नाल उत्थे ठेके खुले हुए ने, जिथे सिर्फ औरतां जाके शराब पी सकदियां ने, वो मर्द नूं नाल लैके जा सकदियां ने, मर्द आपदा चाहे पराया पर वो लैके जा सकदियां ने, उन्होंने पिंक ठेके कहते हैं, आपां खोल लईए इत्थे पिंक ठेके। लेकिन पंजाब में नशे दूर करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकारी स्कूल अच्छे खोलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पूरे पंजाब में CCTV कैमरे लगवाएंगे, सबको रोजगार देंगे, जेडे मुंडे बाहर जा रहे हैं उन्होंने इत्थे रोजगार देंगे, ये गल जो है आम आदमी पार्टी? सर देवांगे, चलो मैं चैलेंज करता खुला, एक पॉलिसी तो देन के इस पॉलिसी के अधीन देवांगे, इस पॉलिसी के नाल देवांगे, है कि इन्हां दा लैके कित्थों आउणगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नूं लैके कित्थों आउणगे, लैके तो सेंटर तो आउणगे, सेंटर च कौन है, बीजेपी, फिर बीजेपी नूं ही आउण दिओ ना, तुसीं क्यों धोखा दिंदे हो, असीं बच्चों नूं रोक लाँगे, किवें रोक लोगे तुसीं बच्चों नूं, किन्ने तुसीं CCTV कैमराज देते दिल्ली नूं, ठेके देते तुसीं पिंक दिल्ली नूं, ठगियां देतियां तुसीं पिंक दिल्ली नूं, और मैं बहुत छोटा कारकुन है, मैं बड़ा नवा इस पार्टी के रादर सियासत दे विच, मैं इन्नी गल कह सकदा कि मैं जिहड़े फर्ज़ नूं लैके तुरिया, मैं पंजाबियों की सोच नूं PM हाउस तक और PM हाउस दीयां पॉलिसीज़ नूं पंजाबियों तक पहुँचाने की कोशिश की कड़ी बनूंगा। तो आगे क्या चुनाव लड़ने का प्लान? हाले तक कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, हिम्मत भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, टीम भी नहीं है, अगे हालात की बनते हैं वो बाबे नानक नूं पता है। लेकिन लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, वो कह रहे हैं कि राजनीति में उल्टा हमने पैसा गवाया है, कमाया नहीं है, क्या राजनीति में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, आपको लगता है?
मैंने तो हाले तक पैसा मिले नहीं जी, 6-7 दिन हो गए, मैं तो आप भी गवाई रहा, तेल पानी मेरा ही खर्च हो रहा है, तो मैं नहीं लगता कि ये कोई कमाई है, एटलीस्ट मैं कमाई वास्ते नहीं आऊँगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर होबी धालीवाल जो कि पंजाब के एक्टर हैं और सिंगर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, और उनका कहना है कि पंजाब में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में पंजाब में यदि बनेगी तो पंजाब में जो विकास कार्य हैं वो तेज़ी से होंगे। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, लुधियाना।